हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ आई, यानी ह्यूमन आई जो है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या मेन रोल है उसका, इसके बारे में हमने स्टडी किया। जिसमें हमने देखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कॉर्निया, क्या होता था कॉर्निया, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है लाइट रेज के लिए, यानी लाइट रेज सबसे पहले इंसर्ट जो है कॉर्निया के थ्रू। फिर हमने बात की थी आयरिस, आयरिस का वर्क क्या है, आयरिस का वर्क है एज ए गेट की तरह काम करता है, वो प्यूपिल की साइज को कम या ज्यादा करने का उसका वर्क है। फिर प्यूपिल क्या है, लाइट इंसर्ट होने के लिए एज ए गेट की तरह वर्क करता है। फिर सिलाई मसल्स जो कि हमारे आई लेंस जो है उसको कैप्चर करके उसकी फोकल लेंथ को कम या ज्यादा करने का काम करती है। लेंस के बारे में देखा था हमने। फिर रेटिना सबसे इम्पॉर्टेंट और लाइट सेंसिटिव पार्ट होता था हमारी आई का, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती थी। इमेज जो है एक कॉन्वेक्स लेंस, जो कि हमारी आई लेंस जो है इस फॉर्म का है, वो कॉन्वेक्स लेंस है जेली टाइप मटेरियल का, तो उससे बनने वाली जो इमेज है किस पे बनती है, रेटिना पे। फिर रेटिना के थ्रू वो हमारे ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व के थ्रू पहुँचते हैं सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। अब आज आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसी आई से रिलेटेड हमारे अगले टॉपिक से कुछ क्या है, सेल्स के बारे में। जो हमारी आई में रेटिना की तरफ, यानी आईज के बैक साइड में रेटिना की तरफ जो सेल्स है, मेनली दो कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है। पहले देखते हैं, फर्स्ट है कोन्स, यानी कौन सी सेल्स है कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। ये जो सेल्स है ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव है, यानी हम कह सकते हैं कि जो लाइट है अगर ब्राइटनेस उसमें ज्यादा है तो किससे सेंस होगी, वो कोन्स पार्ट से सेंस होगा जो ब्राइट लाइट है। देन डॉट्स की बात करें विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, यानी हमारी आई के अंदर जो रेटिना पार्ट में सेल्स जो है, क्या नाम है उनका, रॉड्स, वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। यानी ऐसा समझे कि जब ब्राइट लाइट हो तब कौन सी सेल्स सेंसिटिव होगी, वो है कोन्स, और जब डिम लाइट हो तब कौन सी सेल्स सेंसिटिव होगी, वो है रॉड्स। क्लियर है? और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोन्स सेंस कलर, यानी कोन्स सेल्स जो होती है वो कलर को भी सेंस करने का वर्क करती है। तो आप ये मेनली याद रखें कि हमारी आईज में जो सेल्स है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कोन्स और रॉड्स। कोन्स जो कि ब्राइट लाइट को सेंस करती है और रॉड्स जो कि डिम लाइट को। इसी के साथ कोन्स का और भी इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि कोन्स सेंस कलर, कलर को सेंस करने का जो वर्क है वो किसका है, कोन्स का। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, याद रखो आपको ऑप्टिक नर्व जहां पे जो सिग्नल्स है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ब्रेन तक भेजे जाते हैं, कहां से, रेटिना से। तो एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना, रेटिना और ऑप्टिक नर्व के जंक्शन में देयर आर नो सेंसरी सेल्स, सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्या सिंपली बोले कि रेटिना और ऑप्टिक नर्व इनका जो जंक्शन है, इनके जंक्शन पर एक स्पॉट या एक जगह ऐसी होती है जहां पर कोई भी, देयर आर नो सेंसरी सेल्स, वहां पे कोई भी सेंस के लिए सेल्स अवेलेबल नहीं होती, उन स्पॉट या उस जगह को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी यहां पर इस जगह पर सेंसरी सेल्स नहीं होती, अगर सेंसरी सेल्स नहीं होगी तो फिर इमेज जो फॉर्म हुई है इनके सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक नहीं भेजा जाएगा, और नहीं भेजा जाएगा तो वो इमेज या वो ऑब्जेक्ट जो है हमारे लिए विजिबल नहीं होगा। इसको समझने के लिए हमारे बुक में एक्टिविटी नंबर 16.9 है, समझते हैं उसको क्या है। एक कागज लेते हैं हम, कागज का 5 to 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, यानी इन दोनों के बीच 5 to 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस का एक क्रॉस मार्क करें और एक डॉट मार्क करें। फिर आपको क्या करना है कि इस पेपर को एट ए टाइम आपको एक ही आई से देखना है, या तो लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से। लेट्स सपोज हम द फर्स्ट कर रहे हैं, तो हमने राइट आई को क्लोज किया और लेफ्ट आई को देख रहे हैं,
कागज को धीरे धीरे आपकी आंख के क्लोज यानी आपकी आंख की तरफ लेके आना है। क्लियर? जैसे ही आप लेके आएंगे आप नोटिस करेंगे कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये डॉट आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। क्लियर? यानी केवल क्या दिखाई देगा आपको? क्रॉस दिखाई देगा। जब आप क्रॉस देख रहे हैं लेफ्ट साइड से, जब आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो आपको डॉट दिखना बंद हो जाएगा। वो जो जगह है उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। यानी हम कह सकते हैं कि तब जो ये डॉट है इसकी इमेज कहां पे फॉर्म हुई है? उसी स्पॉट पर। कौन सा स्पॉट? जहां पर ऑप्टिक नर्व और रेटिना का क्या है? जंक्शन। ये एक्सपेरिमेंट आप राइट आई से भी कर सकते हैं। जब आप राइट आई से करें तो मेक श्योर कि आपके लेफ्ट आई क्या हो? क्लोज हो। फिर आप इस कागज को धीरे धीरे अपने राइट आई की तरफ लाएं। यहां पे भी इस बार नोटिस करेंगे आप कि डॉट तो आपको कंटिन्यू दिखाई देगा लेकिन एक स्पॉट ऐसा आएगा, एक जगह ऐसी, एक पोजिशन ऐसी आएगी जहां पर आपको एक क्रॉस दिखाई देना बंद हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वो जो पोजिशन है उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। या फिर कहें इस क्रॉस की जो इमेज है कहां पर फॉर्म हुई है? उस ब्लाइंड स्पॉट पर फॉर्म हुई है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। जो आंख के बैक साइड में जो हमारा पोजीशन है या सेंसिटिव ऑर्गन जो है रेटिना, ये कह रहा है कि उसमें जो इमेज फॉर्म हुई थी उसका इंप्रेशन जो है हाथों हाथ या अचानक से वैनिश नहीं होता, यानी इमीडिएटली वैनिश नहीं होता। इट परसिस्ट देयरफॉर अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकंड। ये जो इंप्रेशन है किसी भी इमेज का, वहां पर एक सेकंड को जब आप 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो वन पार्ट निकलता है, समझे इस बात को स्टूडेंट्स, जब आप एक सेकंड को 16 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें तब जो वन पार्ट, या कहेंगे एक सेकंड का 1/16 पार्ट जो निकलता है, उतने टाइम तक किसी भी इमेज का इंप्रेशन हमारे रेटिना पे रहता है, हमारे रेटिना पे रहता है। सो इफ स्टिल इमेजेस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश ऑन द आई एट ए रेट फास्टर देन 16 पर सेकंड, फिर अगर आपको हम 16 जैसे अगर आपको 16 इमेजेस से ज्यादा इमेजेस आपको शो की जाए तो क्या होगा कि आपकी जो आई है यानी जो रेटिना है जो कि एक इमेज को 1/16 टाइम तक सेव करके रखता है या उसका इंप्रेशन रहता है, जब आप एक सेकंड में 16 से ज्यादा बार दिखाएंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है या आपका जो रेटिना है वो डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएगा, वो क्लियर नहीं कर पाएगा कि वो इमेजेस है या वीडियो है। तो हम कह सकते हैं देयर द आई परसीव दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग। आपकी आंख जो है उसको मूविंग ऑब्जेक्ट की तरफ परसीव करेगी। क्लियर है? यानी आप कर क्या रहे हैं, यहां आई आप एक सेकंड में 16 से ज्यादा स्टिल इमेजेस दिखा रहे हैं तो हमारी आंख जो है वो क्या है उसको डिस्टिंक्ट नहीं, डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाती उन इमेजेस में, और वो जो इमेजेस है आपको मूविंग फॉर्म में दिखाई देती है। तो इसके लिए मिनिमम कितनी इमेजेस की रिक्वायरमेंट है? मिनिमम इमेजेस कितनी होनी चाहिए? 16, एक सेकंड में 16। उससे ज्यादा होगी, उससे फास्टर होगी तो आप ऐसे समझे कि और भी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है, यानी और भी क्लियरली आपको वीडियो की तरह ऐसा फील होगा। क्लियर है ना? वीडियो भी चल रहा हो ऐसे फील होगा। मैं बताता हूं स्टूडेंट्स, यहां पे इसे हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये जो आप देख रहे हैं इसे क्या कहा जाता है? परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो हमारी आंख के लिए परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है? 1/16 सेकंड। यानी हमारी आंख का जो रेटिना पार्ट है वो किसी भी इमेज का इंप्रेशन 1/16 सेकंड तक स्टोर करके रखता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पहले याद नोट करें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेचर हैज प्रोवाइडेड आईज विद आईलेट्स टू आईलेट्स
जिन्हें हम क्या कहते हैं पल के ना। नेचर हैज प्रोवाइडेड आईज विद आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई ना। हमें ये जो पल के हैं ये किसी भी आउटसाइड के जो भी पार्टिकल्स है या ऑब्जेक्ट्स है उनको आई में एंटर के लिए रोकती है। आईलिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, यानी जब हमें किसी लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं हो, जब हमें किसी विजन की रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो वहां पर आईलिड का वर्क क्या होता है, अपने आईज को क्लोज कर देती है अगर हमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो, या लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको कम करना हो तब भी हम आईलिड्स का यूज करते हैं। आपने देखा होगा हम अपनी आईलिड्स को कम खोलते हैं ना, कम खोलते हैं। तो आईलिड्स भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी आईज के लिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक पॉइंट है नियर पॉइंट। क्लियर क्या है नियर पॉइंट देखते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। क्लियर, यानी ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर हमारी आईज किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली का मतलब है अगर आप दो पैरेलल लाइन पे ड्रॉ करें किसी पेपर पे और आप उस पेपर को आपकी आईज के क्लोज लें तो एक पॉइंट ऐसा है जहां पर आप दोनों लास्ट पॉइंट यानी लास्ट क्लोज पॉइंट जो है जहां पर दोनों ही पैरेलल लाइन आपको डिस्टिंक्टली विजन के लिए हो यानी दोनों ही दिखाई दे, क्लियरली दिखाई दे, उसे हम कहते हैं डिस्टिंक्टली। क्लियर, तो क्या है ये पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारी आंख के लिए वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर हमारी आईज किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली देख सके। क्लियर, और ये डिस्टेंस होती कितनी है, इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। आप समझे इस चीज को स्टूडेंट्स, जब आप किसी पेपर पे कोई भी चीज या हम गए पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके अपनी आईज के क्लोज लेके आएंगे तो आप नोट करेंगे कि 25 सेंटीमीटर के ज्यादा क्लोज लाने पर उसकी जो इमेज है या वो ऑब्जेक्ट है हमारे लिए ब्लर होना शुरू हो जाता है। क्लियर, वो ऑब्जेक्ट जो है हमारे लिए ब्लर होना शुरू हो जाता है। तो ये जो पॉइंट यानी हम तो ये बता रहे हैं 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर हमारे लिए क्या कहलाता है, नियर पॉइंट कहलाता है। तो नियर पॉइंट को अगर डिफाइन करना हो तो हम ऐसे ही बोलेंगे कि ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर हमारी आईज किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली देख सके। क्लियर, फार पॉइंट, इसी तरह एक और पॉइंट है फार पॉइंट। द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, यानी ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां पर हमारी आई किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली देख सकती है। पहले केस में हमने मिनिमम कम से कम डिस्टेंस की बात की है, अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम डिस्टेंस यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी डिस्टेंस पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें तो वो हमारे लिए डिस्टिंक्टली दिखाई दे। तो उसके लिए आंसर है स्टूडेंट्स, इट इज इनफाइनाइट। एक हेल्दी आई के लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो क्या होती है, इनफाइनाइट। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप लाइट में स्टार्स को देख सकते हैं, खूब सारे स्टार्स होते हैं, सबको आप डिस्टिंक्टली देख सकते हैं और स्टार्स हमसे लगभग बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं। तो आप ये याद रखें कि एक ह्यूमन के लिए हेल्दी आई के लिए फार पॉइंट क्या है, अगर उस आई में डिफेक्ट ना हो तो उसके लिए फार पॉइंट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी कोई भी आदमी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली देख सकता है, ये हमारे लिए फार पॉइंट। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, कैटरेक्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्या है कैटरेक्ट, ये है डिफेक्ट ऑफ आई, यानी हमारी आई का एक डिफेक्ट है, एक कमी है, एक प्रॉब्लम है आई के लिए। क्या है कैटरेक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं बंद मोतियाबिंद, आपने सुना ही होगा मोतियाबिंद के बारे में। क्या होता है कैटरेक्ट में, आपने देखा है आई के स्ट्रक्चर में आई लेंस जो होता है हमारा जेली टाइप मटेरियल होता है, ये क्या है एज के साथ उम्र के साथ धीरे धीरे क्लाउडी या मिल्की कलर का होना स्टार्ट हो जाता है, यानी आपका जो लेंस है वो क्लाउडी होना स्टार्ट होता है, पहले एक डॉट होता है फिर वो डॉट धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ग्रो करता है, ऐसे करते हुए जो कंप्लीट लेंस जो है वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है या क्लाउडी हो जाता है। ऐसे में फिर जो लाइट आपने देखा हमारी जो लाइट है वो इसी लेंस के थ्रू एंटर करती है और इसकी इमेज फॉर्म होती है रेटिना पर, तो जब ये क्लाउडी हो जाएगा तो हमारे
समझिए कोई भी ऑब्जेक्ट के देखना फिर पॉसिबल नहीं होगा। हम जिस भी तरफ देखेंगे वहां पे क्लाउडी क्लाउडी कलर का आपको यानी क्लाउडी या मिल्की कलर दिखाई देगा, पूरा व्हाइटिश कलर दिखाई देता है। तो जब ये कंप्लीट लेंस को अगर व्हाइटिश बना देता है तो उसे हम कहते हैं मोतिया बिंद पक गया, एक स्टेट कहला दी है कि यहाँ पे मोतिया बिंद या कैटरेक्ट जो है वो पक चुका है। क्लियर है? तब इसका इलाज क्या है स्टूडेंट, इसका क्या करेक्शन है? इसका एक ही करेक्शन है, वो है सर्जरी, यानी जिसे हम कहते हैं कैटरेक्ट सर्जरी। इसमें क्या किया जाता है, उस लेंस को रिमूव किया जाता है और एक जेली टाइप जैसे ये जो लेंस का आइडिया हमारे लिए क्या था, ओपेक ओपेक बन चुका था, तो एक ट्रांसपेरेंट जेली टाइप मटेरियल यूज किया जाता है लेंस की जगह। क्लियर? आर्टिफिशियल ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज किया जाता है इसको करेक्शन के करेक्शन के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं, केयर ऑफ द आईज। अब हम अपनी आंखों को किस तरह उनका ख्याल रख सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यूज सुटेबल स्पेक्टेकल्स, आपको एक प्रॉपर स्पेक्टेकल्स यूज करने होंगे। जैसे अगर आप ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट में निकलते हैं तो आपको डिम लाइट के लिए या उन लाइट की इंटेंसिटी को कम करने वाले जिसको हम कहते हैं धूप छांव के जो चश्मे होते हैं उनको यूज करना होगा। क्लियर? अगर आपकी आईज में कुछ डिफेक्ट है, जैसे आपको दूर की चीज क्लियर दिखाई नहीं दे रही या पास की चीज क्लियर दिखाई नहीं दे रही, तो उसके लिए भी आपको सुटेबल स्पेक्टेकल्स यूज करने होंगे जिनको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे अगर किसी को दूर की चीज क्लियर दिखाई नहीं देती तो उसे हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस। और जिसको पास की चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती उसको हम कहते हैं फार साइटेडनेस। या सिंपली कहें अगर दूर की चीज क्लियर दिखाई नहीं देती तो मायोपिया, ये जो डिफेक्ट है ये क्या कहलाता है? मायोपिया। और सेकेंड जो है जिनको पास की चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती उसे हम कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। क्लियर? ये कुछ डिफेक्ट है। Insufficient light causes eye strain and headaches. अगर light sufficient नहीं है, dim light है, तो उसमें क्या होगा? आप ज़्यादा ज़्यादा ही dim light में work करेंगे, धीरे-धीरे आपको eye strain और headache की problem start होगी। Do not look at the sun or a powerful light directly. किसी भी powerful light की तरफ या high intensity वाली light की तरफ आप directly ना देखें, कि उसमें कोई ना कोई glass use करें। Clear? जैसे आपने देखा होगा वेल्डिंग वर्कर्स जो होते हैं वो एक ब्लैक फोल्ड यानी काली पन्नी वाला ग्लास यूज करते हैं। नेवर रब योर आईज, अगर आपके आईज में कोई डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं तो डायरेक्टली आप उन्हें रब ना करें, पहले क्या करें? वॉश करें आईज। क्लियर? फिर ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। जब आप स्टडी करें बुक्स वगैरह तो ज्यादा दूर भी नहीं रखें और ज्यादा आईज के क्लोज भी नहीं रखें, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखें। आपको पता है हमें मिनिमम जिसको हम कहते हैं नियर पॉइंट कितना होना चाहिए? 25। तो आप अपनी बुक्स को 25 से थोड़ा सा दूर ही रखें, है ना? इससे क्या होगा कि हमारी आईज में स्ट्रेन या स्ट्रेस जो है वो ना बढ़े। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।